नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता। बात करेंगे बहुचर्चित सेक्स टेप लीक कांड की, यानी यूपी के मेरठ का बहुचर्चित सेक्स टेप लीक कांड भाजपा के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई। पुलिस ने इस मामले के आरोपी एक सीनियर वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उसका फोकस बाकी बचे दोनों आरोपी यानी दोनों भाजपा नेताओं पर हो गया है। पुलिस इनके विरुद्ध पुख्ता सबूत भी जुटा रही है। इस संबंध में मेरठ के एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस को मई के अंतिम सप्ताह में एक नाबालिग लड़की के लापता होने की सूचना मिली थी। इसे लेकर दौराला थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया था। पूछताछ में पीड़िता ने तीन लोगों पर अपने साथ फरवरी से मई के बीच यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। साथ ही उसने यौन शोषण के लिए मेरठ के सीनियर वकील और बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता के अलावा भाजपा के महानगर अध्यक्ष अरविंद मारवाड़ी और दर्जा प्राप्त राजमंत्री संजीव सिक्का का भी नाम लिया था। बताया जाता है कि पीड़िता इसी अधिवक्ता के ऑफिस में काम करती थी। पीड़िता के बयान को देखते हुए इस मामले में रेप और पाक्सो की धाराएं बढ़ा दी गई थी। पुलिस उसी समय से आरोपी अधिवक्ता की तलाश में जुटी थी, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने अधिवक्ता को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भाजपा के दोनों नेता अब तक कानून के शिकंजे से क्यों बाहर हैं? पुलिस के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उधर मेरठ बार एसोसिएशन के सीनियर वकील रमेश चंद्र गुप्ता को बार से निष्कासित करते हुए उनसे बार के उपाध्यक्ष का पद भी छीन लिया है। लेकिन भाजपा के स्तर से अपने दो नेताओं पर क्या कार्रवाई की गई, इसे लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस जानती है कि आरोपों की बरसात उसके सर पर है, इसलिए वह अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच दौराला थाने के एसआई अबरार अहमद से लेकर इंस्पेक्टर क्राइम सत्येंद्र सिंह को सौंप दी है। वहीं साइबर सेल वकील के घर से जब्त हुए लैपटॉप, सीपीयू, सीडीआर, शिकायत वीडियो, तस्वीरों और मोबाइल लोकेशन को भी खंगालने में जुटी है। जानकार बताते हैं कि इस मामले में बहुत विस्फोटक खुलासा हो सकता है। पुलिस की निगाह इस ओर भी है कि इस रैकेट में और कौन कौन सी लड़कियां, वकील, नेता या दूसरे सफेदपोश शामिल हैं। मामला सत्ता पक्ष का देखते हुए भी पीड़ित जान रही है कि इंसाफ मिलना आसान नहीं है। लिहाजा पीड़िता की ओर से विशेष सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उसने इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में किए जाने की मांग रखी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। दूसरी तरफ पीड़िता ने खुद की जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे आशा ज्योति केंद्र भेज दिया है। बता दें कि एक ओर तो भाजपा के नेता नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं, पार्टी ने बकायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ जैसी घटना से पार्टी की छवि पर जो दाग लगा है, भाजपा के लिए उसे धोना या छिपाना दोनों आसान नहीं है। गजब बात यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इधर लगातार इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अभी कुछ ही समय पहले सीतापुर में भी भाजपा के दो नेताओं पर अश्लीलता के आरोप लगे थे। फिलहाल भाजपा के नेता खुद ही विरोधी दलों को बैठे बैठाए मुद्दा थमा रहे हैं। देखना है कि भाजपा संगठन इन मामलों से उठे गुबार से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।